ये जर्नी तो देखिए बहुत लंबी होती है, हर चीज़ बहुत छोटी चीज़ से शुरू होती है। जैसे वो कहते हैं ना, एक पौधा बीज होता है छोटा सा, उसके बाद वो बड़ा पेड़ बनता है। तो मेरी जर्नी भी कुछ उस तरह से रही है। मैंने 2006 में जब मैं मुंबई शिफ्ट हुआ, उस समय छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करता था मैं। सुरेश वाडकर जी के यहाँ सीखता था, असिस्ट करता था, ट्रिनिटी के ग्रेड्स किए, साउंड इंजीनियरिंग की। वहाँ से वो जर्नी मैं कहना चाहूँगा कि शुरू हुई है जर्नी वहाँ से, जब मैंने यू नो सीखना शुरू किया, देखा बड़े बड़े कंपोजर्स कैसे काम करते हैं, विशाल भारद्वाज, अजय अतुल, इन सब लोगों को स्टूडियो में देखा काम करते हुए और सब चीज़ें सीखी। तो धीरे धीरे यू नो एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे मैं चलता गया चलता गया, वन थिंग लेड टू अनदर। और फिर एक मैंने जंगल इंडस्ट्री में मैंने काफ़ी काम किया। फिर मेरी एक फिल्म आई T2MBA, जिसमें मेरा एक गाना था ओ सोनी, जो कि जिसकी वजह से मुझे काफ़ी अप्रिसिएशन मिला, मेरे को काफ़ी नाम मिला। और उसके बाद मेरी एक मुलाकात हुई बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्स से मेरी ज़िंदगी में, जो हैं कुमार सर, जो हैं बॉलीवुड के बहुत नंबर वन राइटर। तो उन्होंने मुझे जब सुना मेरा काम, और बड़ी अच्छी उन्होंने मुझे एक बात कही कि तुम्हारा जो सॉन्ग है वो सुनिए, मुझे लगता है कि वो मुझे लिखना चाहिए था, मुझसे मिस हो गया। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था जब कुमार जैसे एक राइटर ऐसा बोल रहे हैं मुझे मेरे गाने के लिए। वहाँ से मेरी एक मुझे लगता है एक बड़े पैमाने पर मेरी जर्नी शुरू हुई, जब मैं कुमार सर से मिला और उन्होंने फिर मुझे निखिल अडवाणी जी से इंट्रोड्यूस करवाया फॉर अ शॉर्ट फिल्म कॉल्ड गुड्डू इंजीनियर, जो मेरा पहला प्रोजेक्ट था निखिल जी के साथ। गुड्डू इंजीनियर किया मैंने उनके लिए, उसके बाद मैंने POW किया, जो बंदी यूथ के जो TV शो था उनका। उसके बाद टेक्निकली ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने अप्रोच किया फिल्म करने के लिए, वो एक रिलेशनशिप ऐसा बन गया था कि उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी कि लखनऊ सेंट्रल फिल्म बन रही है, तो आप कुछ गाने ट्राई कीजिए उसके लिए। तो इसी तरह धीरे धीरे यू नो एक स्टेप आगे बढ़ते 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 मैं लखनऊ सेंट्रल तक पहुँच गया, लैंडिंग हो गई वहाँ पर मेरी। लखनऊ सेंट्रल एक बहुत ही यूनिक फिल्म है, बिकॉज जनरली कैसा जो आजकल फिल्में चल रही हैं उससे थोड़ी हट के, आपने जैसे ट्रेलर भी देखा होगा, उसका लुक एंड फील इज़ वेरी डिफरेंट, वेरी इंटरनेशनल फील है, बट एट द सेम टाइम कीपिंग द रस्टिक एसेंस अलाइव। तो मुझे भी, मेरे लिए खुद एक चैलेंज था कि मैं किस तरह से, बिकॉज फॉर मी द बिगेस्ट चैलेंज इज़ टू लिव अप टू माई ओन एक्सपेक्टेशंस व्हेन आई वर्क ऑन अ फिल्म प्रोजेक्ट। तो लखनऊ सेंट्रल के लिए डेफिनेटली हर चीज़ रिक्रिएट की गई है, जो साउंडस्केप है उस पर बहुत हमने एक्सपेरिमेंट किया लाइव इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। मेरा जो मेनली स्टाइल है वो लाइव म्यूज़िक का ही है, क्योंकि मैंने वही सब देखा है बचपन से। जब मैं अपनी मॉम के साथ रिकॉर्डिंग्स में जाता था तो मैं देखता था वहाँ पे सब वायलिन सेक्शन रिकॉर्ड हो रहा है, सितार लाइव हो रहा है, और उस समय तो प्लेबैक वाला कंसेप्ट ही नहीं था कि यू नो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, वो रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने अपने टाइम पर और फिर सिंगर आके गाते हैं। उस समय जो मैंने देखा था वो ये था कि मम्मी जी गा रही हैं वहाँ पे और सब लोग यू नो साथ में म्यूज़िक बज रहा है। तो उस अपब्रिंगिंग से मैं आया हूँ, तो मेरे लिए इट इज़ ईजियर टू कंसेप्चुलाइज एन आइडिया, और अच्छे म्यूजिशियंस के साथ मैं काम करता हूँ। तो सब कुछ, जितना भी साउंडस्केप आप देखेंगे, जो भी सुनेंगे, वो सब कुछ लाइव क्रिएट किया गया है, चाहे वो स्ट्रिंग सेक्शन हो, चाहे वो स्ट्रोक्स हो, चाहे वो गिटार हो, चाहे रिदम सेक्शन हो, चाहे पर्कशन हो, एवरीथिंग इज़ बीन डन लाइव एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग साउंडस्केप एंड एट द एंड ऑफ द डे व्हाट वी हैव अचीव्ड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। जब हम किसी भी गाने को अप्रोच करते हैं तो हमारा एक बेसिक कंसेप्ट रहता है कि यू नो आई विल आइदर सेट विद माय गिटारिस्ट और आई विल सेट ऑन माय पियानो और यू नो स्टार्ट कंपोजिंग। तो क्या होता है, हमारा दिमाग ऑलरेडी अरेंजमेंट के हिसाब से चलने लगता है कि यू नो अच्छा इसमें गिटार डालेंगे, इसमें बेस डालेंगे, इसमें ना ऐसा सिंथ होगा, इसमें ये होगा, उसमें वो होगा। इस गाने में वो अपॉर्चुनिटीज़ डिफरेंट थी, मतलब इसमें मैं सिंथ नहीं डाल सकता, इसमें मैं गिटार भी नहीं डाल सकता। फिर भी हमने कोशिश की है गिटार का एलिमेंट रिटेन करने की, बट बाकी कुछ भी उसमें नहीं बज रहा, ना पियानो है ना उसमें बेस है, जितना भी आप सुन रहे हैं वो सब आवाज़ें मुंह से निकाली गई हैं उसमें। हमने क्योंकि कंसेप्ट क्या था उस गाने का, तीन कबूतर एक बहुत यूनिक सॉन्ग है, क्योंकि जो फिल्म है उसके अंदर ये जेल के अंदर वो लोग गाते हैं इस गाने को। तो अब कंसेप्ट ये था कि जेल में तो कोई इंस्ट्रूमेंट है नहीं, सिर्फ एक गिटार है, तो फिर साउंडस्केप कैसे क्रिएट होगा। तो उसी में मेरे को आई थिंक हर्डल्स तो बहुत आए, बिकॉज वो सोचना किस तरह से होगा। मैंने काफ़ी 3 से 4 दिन मैंने अलग अलग म्यूजिशियंस के साथ स्टूडियो में बिताए हैं, स्टूडियो में निकला ही नहीं यहाँ से बाहर में, कि किस तरह से हम साउंड रेप्लिकेट कर सकते हैं, गिटार रिप्लेस करना है अगर, या फिर पियानो का साउंड रिक्रिएट करना है। तो बहुत उसमें मतलब जद्दोजहद करनी पड़ी, बहुत एक्सपेरिमेंटेशन था, बहुत वक्त दिया। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने यू नो और लोगों से कोलैबोरेट किया। आप देखेंगे इस गाने में इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, मोहित चौहान जी ने गाया है, दिव्य कुमार ने गाया है, मेरी आवाज़ है उसमें, मेरे जितने असिस्टेंट्स हैं उन सबकी आवाज़ है, फिर रफ्तार ने रैप किया है, फिर तौफिक कुरेशी साहब ने पूरा जो पर्कशन डिज़ाइन किया है उसका रिदम सेक्शन, फिर अफला ट्यून्स करके ग्रुप है जिनका एकापेला फील का जो बेस गिटार बज रहा है वो सब उन्होंने किया है।
तो आई थिंक मेरे लिए एक बहुत यूनिक एक्सपीरियंस था. बहुत मुश्किल था इस गाने को अचीव करना क्योंकि कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है और आप हैरान होंगे हमने क्या क्या यूज़ किया इसमें. जब तौफिक जी के साथ हम यशराज में रिकॉर्ड कर रहे थे तो एक बड़ा फ़नी इंसिडेंट्स हुआ कि हम लोग ने बॉडी टैपिंग की आवाज़ रिकॉर्ड कर रहे थे, ऐसे इस तरह के रिदम हम लोग क्रिएट कर रहे थे. तो माइक पे जो साउंड मुझे चाहिए था वो आ नहीं रहा था, तो मैंने तौफिक सर से रिक्वेस्ट की कि सर आई थिंक शर्ट उतार के अगर करेंगे तो थोड़ा शार्पर साउंड आएगा. तो ही वॉज़ प्रोफेशनल इनफ और उनका पूरा जो ग्रुप था मुंबई स्टैम्प, उन सब लोगों ने अपनी शर्ट उतारी और बेयर चेस्टेड देन वी रिकॉर्डेड एवरीथिंग एंड आई थिंक आउटपुट आप सब लोग सुन ही सकते हैं. तो ये छोटे छोटे बहुत से किस्से हुए हैं इस गाने को बनाने के लिए. फिर इसमें बाकी जो साउंड्स यूज़ हुई हैं वो है जैसे कि ट्रैश कैंस और जो बाल्टियों की साउंड, बर्तन, जूते, चप्पल, जो हमको मिला हमने सब डाल दिया. म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स को छोड़ के जितना कुछ हो सकता था सब रिकॉर्ड किया इसके लिए. तो आई थिंक मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा, ये मेरे लिए अचीवमेंट है कि मैंने इस तरह का गाना बना लिया. रंगदारी बेसिकली आई वुड नॉट से इट्स अ सैड सॉन्ग. आई फील इट इज़ मोर ऑन अ इंस्पिरेशनल साइड बिकॉज अगर आप उसके लिरिक्स सुनेंगे, जिंदगी तेरे रंगों से रंगदारी ना हो पाई, ये बोल रहा है कि मैं नहीं, मेरे को समझ में नहीं आई जिंदगी, मेरी दोस्ती नहीं हो पाई उससे. बट वो आगे बोलता है कि चाहे मुझे तोड़ दे तू, दर्दों में छोड़ दे. आगे मतलब वो इंस्पिरेशन की टूवर्ड्स लेके जाता है कि आप जो भी कर लो, द सॉन्ग गिव्स अ मैसेज कि आप जिस भी सिचुएशन में हो आप हार मत मानिए, आप चलते रहिए. जो सही है, जो आपकी किस्मत में लिखा है, जो आप डिज़र्व करते हैं, वो आपको मिलेगा. तो रंगदारी सॉन्ग इज़ अबाउट इंस्पिरेशन. इट इज़ अबाउट एक डिप्रेशन भी था उस गाने में इनिशियली कि यू नो मेरी नहीं हो पा रही रंगदारी ज़िंदगी से, बट उसके बाद उससे आगे कैसे निकलना है वो भी है उस गाने के अंदर. तो इट इज़ आई विल कैटेगराइज इट इनटू एन आई थिंक इंस्पिरेशनल जोन मोर ओवर, नॉट सैड. नहीं, फरहान तो एक बहुत ही मतलब सुनो, आई थिंक ही इज़ अ वेरी सीरियस एक्टर एंड ही इज़ अ वेरी गुड म्यूजिशियन ऑल्सो. आई हैव मेट हिम पर्सनली अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन वी वर शूटिंग. तो कोई ऐसा मेरे पास पर्टिकुलर रीज़न नहीं था कि फरहान ना गाएं, मैं तो बल्कि चाहूँगा कि वो अगर गाते तो और अच्छा होता. बट क्योंकि वो जिस तरह से रोल में अपने घुसे हुए थे, अपने किरदार में पूरी तरह से वो डूबे हुए थे, तो आई थिंक वो खुद भी नहीं चाहते थे ऐसा हो. और दूसरा ये था कि हम ऑलरेडी कांवा कांवा सॉन्ग रिकॉर्ड कर चुके थे पहले ही दिव्य कुमार की आवाज़ में. तो ही सेड कि फिर ये आवाज़ अच्छी लग रही है, इसी को कंटिन्यू करते हैं. तो आई थिंक इट वॉज अ म्यूचुअल डिसीजन, बट आई वुड हैव लव्ड इफ फरहान हैड सॉन्ग. तीन कबूतर जो सॉन्ग है, आई थिंक एक्टर्स तो जितने भी इस फिल्म में हैं वो सब सीजनड एक्टर्स हैं. मतलब आप उनकी एक्टिंग देखेंगे तो आप चौंक करने रह जाएंगे कि ये क्या हो रहा है. इट इज़ द परफॉर्मेंसेज ऑफ द एक्टर्स आर आउटस्टैंडिंग. तो ये सवाल मुझे तो ये पूछना चाहिए कि क्या मैंने जस्टिस किया है कि इतने अच्छे मंजे हुए एक्टर्स कलाकारों के ऊपर मैंने जो गाना बनाया है क्या वो उस हिसाब से बन पाया है जिस हिसाब से वो होना चाहिए. तो ये तो ऑडियंस बताएगी अब मुझे कि मैंने जस्टिस किया है कि नहीं. आई थिंक आजकल म्यूज़िक टेक्नोलॉजी एकदम पीक पे है और DAW, पहले तो आप पहले समझिए DAW क्या होता है. DAW इज़ डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन. तो डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन डजेंट मीन कि आप लाइव साउंड नहीं यूज़ कर सकते. मैं DAW यूज़ करता हूँ, आई यूज़ लॉजिक, आई यूज़ क्यूबेस, आई यूज़ एवरी अदर सॉफ्टवेयर. तो बट उसके साथ साथ आपके पास हमेशा एज अ म्यूजिशियन यू हैव टू मेक अ चॉइस कि आप कितना लाइव रिकॉर्ड करना चाहते हैं, कितना आप प्रोग्रामिंग से क्रिएट करना चाहते हैं. मेरा जो पर्सनल स्टाइल है, मैंने इसमें सब कुछ लाइव रिकॉर्ड किया है, चाहे वो ट्रम्पेट हो, चाहे क्लैरनेट हो, चाहे फ्लूट्स हो, चाहे आयरिश फ्लूट हो, बुजुकी, टर्किश इंस्ट्रूमेंट्स, साज, फिर मैंडोलिन. तो ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो शायद बहुत आम जनता को पता भी नहीं है. तो मैंने वो सब यूज़ किया है इस फिल्म के अंदर और मुझे लगता है कि बहुत लोग कर रहे हैं इस चीज़ को. तो DAW एक सिर्फ एक ज़रिया है उस सब को कंपाइल करके, उसका एक उसको थोड़ा आप ट्रीट कर सकते हो, जो कि पहले के ज़माने में वो ऑप्शन नहीं था क्योंकि सब टेप पे रिकॉर्ड होता था, आप ज़्यादा प्रोसेस नहीं कर सकते थे. बट स्टिल आज की डेट में DAW आपको एक और मोर पावरफुल कंपोजर बनाता है, मुझे लगता है. जो भी लोग यूज़ कर रहे हैं, आई थिंक इट इज़ अनअवॉइडेबल, यू विल हैव टू यूज़ अ DAW, बट इट इज़ अपॉन यू वॉट यू चूज़ टू डू, कि आप सारा प्रोग्राम करते हैं या आप लाइव म्यूजिक उसमें ऐड करते हैं. बट आई थिंक इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. बैलेंस इज रिक्वायर्ड इन एवरीथिंग इन लाइफ. मुझे लगता है कि मैंने पूरी फिल्म अभी स्कोर करनी ख़त्म की है और मुझे एक फिल्म होती है ना, जब क्या होता है कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं फिल्म में, जो मेरे साथ पहले भी ऐसा हो चुका है कि कभी कभी वो प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स आपको बोलते हैं यार इस सीन को थोड़ा उठाओ, ये बिना म्यूज़िक के नहीं चल पाएगा. इस फिल्म में ऐसा नहीं हुआ है. इस फिल्म में
स्टोरी इतनी इसकी इतनी पकड़ के रखेगी आपको कि आप विदाउट म्यूज़िक भी अगर ये फिल्म देखेंगे आपको उतनी ही टच होगी। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग देखने जाएं इस फिल्म को और इंस्पिरेशन लें इस चीज़ से कि सही करना चाहिए ज़िंदगी में और आपको सही मिलेगा, जो आपका है वो आपको मिलेगा।